चलो, तो लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन दिया था ना मैंने, 5 मोल्स ऑफ एन टू एंड 10 मोल्स ऑफ एस टू आर टेकन इन ए क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और सेकेंड इन्फॉर्मेशन दे रहा है इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम कितना दिया है, 6। तो हमें क्या निकालना है, के सी एंड के पी। मैंने क्या बताया, जो सिखाया उसी को बस फॉलो किया करो। पहला मैंने बताया है कि पहले केवल रिएक्शन की पहली लाइन को पढ़ा करो, जो भी क्वेश्चन दिया है ना उसका क्या करो, फर्स्ट लाइन को पढ़ो, और फर्स्ट लाइन पढ़ने के बाद दो स्टेप्स लिख लिया करो। कौन कौन से दो स्टेप बोलो। पहले लाइन से क्या पता चला, 5 मोल्स इसका दिया है, इसका कितना दिया है 10, तो उस समय अमोनिया के 0 रहेंगे। कुछ दिया है क्या अमोनिया के बारे में, पहली लाइन से अमोनिया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जितना दिया उनको पढ़ो, 5 मोल्स ऑफ एन टू एंड 10 मोल्स ऑफ एस टू आर टेकन इन ए क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको लिखना है तो साइड में अपना इंफॉर्मेशन लिख लो, वॉल्यूम कितना दिया है 10 लीटर, टेम्परेचर 27, मतलब 300 लिख दो ना इसे, 300 केल्विन। टेम्परेचर हमेशा हमें केल्विन में लिखने की आदत होनी चाहिए ना, ताकि गलत ना हो कभी। अब देखो ये 5 और 10 दिया, अब बोलो नेक्स्ट स्टेप, बिना पढ़े बताना है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, 5 माइनस x, यहां पे क्या लिखेंगे, 10 माइनस 3x, यहां पे 2x, 2x 2+x कौन बता रहा है, ये 2x होगा ना, जो कोएफिशिएंट में होता है उसी फॉर्म में लिखते हैं। 2+x कब लिखते हैं, पहले से कुछ 2 मोल रहता तब ना, और अभी 2+x नहीं, क्या आता 2+2x, क्या था 2+2। तो ये क्या सेकंड स्टेप लिखने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत है, नहीं, ये तो हमारा जो तरीका है उससे लिखे। अब पढ़ते हैं कंडीशंस क्या दे रहा है, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम इज 6। क्या मतलब समझ में आया इस बात से, एट इक्विलिब्रियम क्या समझ में आया, एट इक्विलिब्रियम पे मोल्स ऑफ NH3 जो अमोनिया के मोल्स हैं किसके बराबर है, 6, और अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम मोल्स ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम कितना है, 2x। मैंने बताया ना हर क्वेश्चन में हमें बस x निकालना है, तो इस समय हमारे लिए क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 6। तो बोलो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। क्या अगर x हमें 3 मिल गया तो अब सब कैलकुलेशन हो जाएगा। एक्स थ्री मिलने का मतलब क्या हो गया, इसके इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स हो गए, 5 माइनस 3 मतलब कितने मोल्स, 2 मोल्स, इसके 10 माइनस 3 इंटू 3 मतलब कितने मोल्स, 1 मोल्स, और इसका तो 2 इंटू 3 मतलब ये तो दिया ही था ऑलरेडी, 6 मोल्स। अब बोलो क्या केसी निकाल सकते हैं, बताए केसी का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, 6 के पावर कितना जाएगा, 2, जो मोल्स के फॉर्म में करते थे वही है ना, पहले ये अननोन के फॉर्म में था, अब हमें थोड़ा न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में हो गया, तो 6 के पावर 2, नीचे बताओ क्या आएगा, 2 के पावर 1 इंटू 1 के पावर 3, और चेक करें क्या पावर ऊपर नीचे, ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 4 है, तो वॉल्यूम आएगा कहां पे आएगा, ऊपर के नीचे, ऊपर, और वॉल्यूम के पावर कितना आएगा, 2। कल ये सिखाया था मैंने लिखने के तरीके, ठीक है। अब बस इसमें वैल्यूज को डाल दे, ये 36 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इंटू 1 का 1 रहेगा, इंटू वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में गिवन था 10 लीटर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये दिख रहा है क्या, 18 है, तो ये कितना हो गया, 1800, ठीक है। अब क्या केपी निकाल सकते हैं, देखो केपी निकालने के लिए मैं कौन सा आइडिया लगा रहा हूं, केपी इज इक्वल टू फॉर्मूला तो ही केपसी आरटी पावर डेल्टा एनजी, फॉर्मूला था कि नहीं था, केपी को एक्सप्रेशन से बार बार निकालने की कोशिश मत किया करो, केपी हमेशा किससे निकाला करो, इस फॉर्मूले से। अगर मुझे केसी कैलकुलेट हो चुका है तो इस फॉर्मूले से केपी निकालना काफी इजी हो जाता है। क्यों, देखो अगर केपी एक्सप्रेशन से लिखने चलते तो क्या तकलीफ आती है, वो समझा रहा हूं। अगर केपी एक्सप्रेशन से लिखोगे, देखो पहले एक्सप्रेशन से समझो, अगर केपी एक्सप्रेशन से निकालना होता, अलग से समझा रहा हूं, देखो केपी को अगर एक्सप्रेशन से करना होता तो बोलो केपी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 6 के पावर 2, सेम ये लिखते ना, 6 के पावर 2 अपॉन 2 के पावर 1 इंटू 1 के पावर 3। अब देखो जरा सा, पावर नीचे 4 है, वॉल्यूम ऊपर आया था, तो प्रेशर कहां पे आता, नीचे, तो प्रेशर नीचे आता कितना पावर आता, 2, और ऊपर क्या आता, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स देख सकते हैं, 2 + 1 + 6 कितना हो चुका है, 9, ठीक है। अब ये पी हमें पता है क्या क्वेश्चन में, नहीं पता है, अब इस पी को कैसे पता करेंगे, तो इस पी को पता करने के लिए हमें कहां पे जाना पड़ता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या मुझे मोल्स पता ही चल चुका है, क्या मुझे टेम्परेचर पता ही है, क्या वॉल्यूम पता है, तो क्या यहां से प्रेशर निकल जाएगा, फिर ले जाके डालना पड़ेगा, कितना कैलकुलेशन हुआ, 2, कितनी बार करना पड़ा, 2 बार, पहले यहां से प्रेशर निकालना पड़ा फिर वहां पे रखना पड़ा, लेकिन इसमें देखो एक ही बार में निकलेगा, कैसे, केसी की वैल्यू कितनी आ गई है, 1800 आ चुकी है, आर की वैल्यू 0.08 ले लो, या 1/12 ले लेते हैं ना, 1/12 ले लिया, इंटू टेम्परेचर देखो कितना है, 300, और क्या रिएक्शन का डेल्टा एनजी निकाल सकते हैं,
क्या होगा इसका डेल्टा एनजी, यही बताइए डेल्टा एनजी क्या होगा, 2 माइनस 3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा क्या, समझे? तो डेल्टा एनजी अगर इसके ऊपर मैंने माइनस 2 डाल दिया तो ये बताओ जरा सा ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं, ये 1225 टाइम्स में कट जाएगा, 25 टाइम्स में 300 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कितना बचा 800 1800 डिवाइडेड बाई 25 के पावर माइनस 2 है, मतलब 1/25 का स्क्वायर, तो मतलब नीचे क्या 25 × 25 लिख सकते हैं क्या, बताओ समझे इस बात को। और देखो जरा सा इसको मैं काटने जाऊं अगर यहां पे तो क्या ये देखो 18 रहेगा और इंटू 4 कर दूं क्या, 18 × 100 तो लिख ही सकते थे ना, और 100 को 25 से काट लोगे तो कितने बार में जाएगा 4 बार में, तो ऊपर कितना गया 72, नीचे कितना 25, और 72/25 को करो जरा तो 25 × 2 कितना होता है 50, कितना बचेगा 22, और 22 का एक डेसिमल लगाएंगे तो एक जीरो आएगा तो कितना हो जाएगा 220, और फिर 220 तो 25 का 8 गुना कितना होता है 200, कितना 200, और फिर 20 बचा तो फिर से कितना हो जाएगा 200, मतलब फिर 8 बार में जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 2.88। क्या आसानी से सॉल्व हो गया दोनों पार्ट, ये केपी हो गया ये केसी हो गया, तो क्या लगा नहीं सकते थे इसे हम लोग, लगा लीजिए पूरा, बस ऐसे लगाना है ना सिंपल सा। इस मेथड से क्यों नहीं अप्लाई किया मैंने, समझ में ना क्या प्रॉब्लम आएगा, प्रेशर पहले निकालना पड़ता फिर उसको डालना पड़ता, तो इससे अच्छा है कि जब अगर हमें केसी कभी भी मालूम हो, टेम्परेचर मालूम है, तो हम लोग डायरेक्ट केपी इज इक्वल टू केसी आरटी पावर डेल्टा एनजी लगा दिया करेंगे तो जल्दी हो जाता है। 1/12 बार की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू कितनी लेनी है, 1/12 भी लोगे ना, 0.08 की वैल्यू कितनी बताया था मैंने 1/12 लेने के लिए, लगा लो ये दोनों, मैंने बताया इक्विलिब्रियम के सवाल समझ में आते हैं तो खूब इजी हैं, क्योंकि इनमें केवल केपी केसी पता करना रहेगा, और केपी केसी पता करने के लिए मुझे एक्स के बारे में पता होना चाहिए, और एक्स पता करने के लिए कुछ एडिशनल डेटा जरूर देगा हर क्वेश्चन में, एक्स पता करने का कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें जरूर देगा, और वो एक्स कैसे पता चलता है हमें, जैसे यहाँ पे कंडीशन दिया था उसने, दिया था कि नहीं, यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया था एक्स पता करने के लिए, क्या दिया था उसने इक्विलिब्रियम पे अमोनिया के मोल कितने हैं 6, तो एक्स मिल गया यहाँ से, ऐसे ही सवाल होते हैं इनमें अंदर, बस एक्स पता करने का इन्फॉर्मेशन चेंज होगा, सवाल एक ही तरह के रहते हैं बस। कौन सा डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या लिखोगे इसमें, तुम लोग भूल गए हो क्या सब, हाँ सब भूल चुके हो क्या, बताओ डेल्टा एन जी क्या लिखते हो, डेल्टा एन जी क्या लिखते हो बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट गैसियस, लग रहा है सब भूल चुके हो, ये क्या होगा 2 हो जाएगा माइनस यहां पे क्या आएगा 1+3, गैसियस मोल्स कितने हैं 2, रिएक्टेंट के कितने, 1 यहां पे और 3 यहां पे है, तो कितना आएगा ये -2 ही आएगा ना, ठीक है हो गया ये। चलो सब पूरा हो गया ना ये, चलो नेक्स्ट देखो हम लोगों ने अभी कौन कौन से केस डील कर लिए, जब डेल्टा एन जी हमारा 0 है वो हो गया केस, डेल्टा एन जी लेस देन 0 वाला भी केस हो गया, अब हम लोग आते हैं किस पे, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 का केस, और मैंने सिखाया आपको शॉर्टकट उसी से, इस बार करेंगे हम लोग फुल डेरिवेशन में हम लोग नहीं जाएंगे, तो नेक्स्ट केस डालो, केस नंबर 3 होगा ना, 2 केस हो गए थे अपने पास, केस 3 होगा अपने पास व्हेन डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एन जी 0 से बड़ा होने का मीनिंग क्या होता है बताओ जरा, प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे कि रिएक्टेंट के, इस बार प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है ना, तो प्रोडक्ट के मोल्स क्या होंगे ज्यादा,
मतलब अब अगर मान लो हमने इसी अमोनिया वाली जो रिएक्शन मैंने लिखी थी, इसको अगर उल्टा कर दूं तो क्या होता, क्या डेल्टा एन जी दो हो जाता है इसका, एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स टू एन एस थ्री। अगर मैं इसको टू एन एस थ्री गिव्स एन टू प्लस थ्री एच टू कर दूं तो बढ़ जाएगा कि नहीं मोल्स, तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव आने लगेगा। तो जो रिएक्शन हमने अभी लिखे थे डेल्टा एन जी लेस देन जीरो को, उन्हीं को मैं उल्टा करके लिख दूंगा तो क्या हो जाएंगे, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो वाले प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, जो लेस देन जीरो होता है उसको उल्टा करते ही ग्रेटर देन जीरो वाला बन जाता है। अब इसका मीनिंग क्या है, इस टाइप के रिएक्शंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे थोड़े पहले से बढ़ जाते होंगे, थोड़े से मोल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे टू मोल्स अमोनिया था, टू एन एस थ्री गिव्स एन टू प्लस थ्री एच टू, तो दो मोल से कितने मोल बन गए थे, चार मोल, तो थोड़े से मोल्स इसमें क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसमें यही लिखेंगे, लिख लो इसके नीचे, ऐसी रिएक्शंस ये वाली होती हैं जिनके अंदर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे बढ़ जाता है पहले से। तो लिख लेना, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम इंक्रीजेज, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम इंक्रीजेज, पहले से क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। डेट इज क्या मतलब हुआ इसका, कि जितना रिएक्टेंट का कंज्यूम होगा उससे ज्यादा प्रोडक्ट के मोल बन जाएंगे, तभी तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा, है ना। डेट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड विल बी मोर देन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड विल बी मोर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड विल बी मोर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम। उल्टा बोल दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड विल बी मोर देन, बोल दिया कंज्यूम होने वाले मोल क्या रहेंगे, कम होंगे, बनने वाले मोल ज्यादा होंगे ना, उल्टा लिख दिया हमने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंज्यूम्ड ऑफ रिएक्टेंट विल बी मोर की जगह लेस कर लेना, है ना, लेस लिख लीजिए वहां पे, विल बी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड विल बी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम पे अब मोल्स ज्यादा बनेंगे और कंज्यूम होने वाले मोल्स क्या हो जाएंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा, मतलब होगा हमारे लिए जो इनिशियल मोल्स है, एन इनिशियल जो होगा वो हमारे लिए कम होगा, और इक्विलिब्रियम पे मोल्स थोड़े से क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, सही है ना। तभी तो डेल्टा एन जी जीरो से बड़ा आएगा, जब इक्विलिब्रियम पे मोल्स थोड़े से पहले से क्या हो जाएं, बढ़ जाएं, शुरू में हमने जितने मोल लिए उससे ज्यादा मोल्स बनने लगे तो उनका क्या हो जाता है, डेल्टा एन जी जीरो से बड़ा। अब इसमें भी देखो जो रिएक्शंस थे उन्हीं को लेता हूं मैं, सबसे पहला जो अमोनिया वाला रिएक्शन था, अगर मैं उसको उल्टा करके लिख दूं, टू एन एस थ्री गैस गिव्स एन टू गैस प्लस थ्री एच टू गैस, ठीक है, तो क्या इस रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए हैं कि नहीं बढ़ गए, दिख रहा है, रिएक्टेंट के दो मोल हैं और प्रोडक्ट के कितने मोल बने हैं, चार मोल बन रहे हैं, ठीक है ना। अब इनमें भी वही रहेगा, इसको ए मानोगे तो ये उस समय शुरू में तो कुछ भी नहीं होंगे, नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या लिखते हैं हम लोग, ए माइनस टू एक्स, तो ये कितना होता है एक्स, ये कितना हो जाएगा थ्री एक्स। अब इनका केसी केपी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, डेरिवेशन तो वही है, क्या है डेरिवेशन में, इसको वी से डिवाइड करोगे, इसको वी से कंसंट्रेशन मिलेगा, फिर केसी का एक्सप्रेशन निकलेगा, और केपी के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल मोल से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर केपी निकलेगा, ठीक है ना। तो डेरिवेशन मैंने दो में करवाया, इसको डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, हम लोगों ने शॉर्टकट तो सीख लिया है, पहले बताओ इनिशियल मोल्स कितने हो जाएंगे इसके, ए, और इक्विलिब्रियम पे मोल्स कितने हो जाएंगे, सबको जोड़ दें, ए माइनस टू एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री एक्स, कितना होगा बोलो, ए माइनस टू एक्स प्लस एक्स प्लस थ्री एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस टू एक्स, तो पहले मोल्स ए थे, अब बाद में मोल्स कितने हो गए, ए प्लस टू एक्स, मतलब इक्विलिब्रियम पे मोल्स इनिशियल मोल से क्या हो गए, बढ़ गए, इक्विलिब्रियम पे मोल्स इनिशियल मोल से क्या हो गए, ज्यादा, मतलब जितने कंज्यूम हुए हैं उससे ज्यादा बन चुके हैं, मतलब कंज्यूम होने वाले मोल्स कम है और बनने वाले मोल्स ज्यादा हो गए, ठीक है ना। अब देखो यहां से केसी का एक्सप्रेशन बताओ, जो तरीका है उससे बताइए, केसी क्या लिखते हैं आप, क्या लिखेंगे, एक्स के पावर वन इंटू थ्री एक्स के पावर थ्री डिवाइडेड बाई
ए माइनस टू एक्स के पावर कितना, टू। अब पावर को चेक करेंगे ऊपर नीचे, पावर कितना ऊपर फोर, नीचे कितना टू, तो वॉल्यूम आएगा, आएगा ही कहां पे आएगा, नीचे, जिधर पावर कम है उधर वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम नीचे आएगा और उसके पावर कितना आएगा, तीन और एक कितना है चार, तो यहां दो है तो यहां भी कितना आएगा, दो। डेराइव भी करेंगे तो ये निकल के आएगा, डेरिवेशन भी करेंगे हम लोग तो इसके वाई भी करोगे ना तो डेराइव करने के बाद भी यही फॉर्मूला निकल के आएगा। अब सीधा केपी में बताता हूं, केपी देखो, केपी में भी क्या सेम वही लिखना है, मोल्स वाले में कोई चेंज नहीं करना है हमें, ठीक है। x के पावर 1 3 x के पावर 3 डिवाइडेड बाई a माइनस 2 x के पावर कितना 2 इंटू, देखो जरा सा, वॉल्यूम नीचे आया तो प्रेशर ऊपर आएगा और पावर कितना आएगा 2, जो पावर इसके ऊपर होगा भाई पीटी वाले लिख देता हूं मैं पीटी क्यू ताकि पता चले टोटल प्रेशर है, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा, प्रेशर के साथ साथ टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी आएगा और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है a प्लस 2x और इसके पावर कितना आएगा 2, जो प्रेशर के पावर, क्या समझ पाए हम लोग, तुरंत लिख सकते हैं ऐसे, ये अगर लिख लिया तो इसको बताओ मुझे फटाक से आप क्या लिखोगे, इस तरीके का एक दे रहा है 2SO3 गैस डिसोसिएट एंड गिव्स 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, इसको ये मान लो शुरू में, ये खाली खाली है, बताओ क्या लिखा अगला स्टेप, बताइए क्या लिखा जाए, ए माइनस 2x यहां पे, 2x यहां पे x, बताओ के सी का एक्सप्रेशन बताओ फटाक से क्या होगा, 2x के पावर 2 इंटू एक्स के पावर 1 डिवाइड के पावर 2, और देखो कुछ आएगा कि नहीं आएगा, पावर ऊपर 3 नीचे पावर 2, तो वॉल्यूम आएगा कहां पे नीचे, तो नीचे हमने एक वॉल्यूम ले लिया और वॉल्यूम के पावर कितना 1, वैसे पावर 1 हमें लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग सेफ्टी के लिए लिख रहे हैं ताकि हमें समझ में आता रहे कि क्या हो रहा है। केपी क्या होगा बोलो, केपी 2x के पावर 2 x के पावर 1, ये तो सेम जाएगा ना मोल्स वाला, और डिवाइडेड बाई a माइनस 2x के पावर 2 इंटू, बोलो वॉल्यूम नीचे आया है तो केपी में प्रेशर ऊपर, कल मैंने बताया था प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली होते हैं, अगर केसी में वॉल्यूम नीचे आएगा तो केपी में प्रेशर ऊपर आएगा, और प्रेशर के प्रेशर तो ऊपर आएगा, कितना पावर आएगा 1 ही आएगा, और नीचे एक और साथ में चीज आएगी टोटल, तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहीं से मिल जाता है हमें, कितना आएगा a प्लस एक्स ना, तो नीचे आ जाएगा a प्लस एक्स और पावर कितना आएगा 1 आएगा, समझ पाए हम लोग, ठीक है लिखो इन दोनों को। तो क्या केसी के पी एक्सप्रेशन हम लोग डायरेक्ट दो स्टेप में लिख पा रहे हैं किसी भी रिएक्शन का केसी के पी, है ना, बार बार डेरिवेशन करने की हमें जरूरत नहीं है, दो स्टेप में हम लोग केसी के पी को लिख सकते हैं। ऊपर नीचे पावर सेम होता तो क्या वॉल्यूम आता कभी नहीं आता था, है ना, इनमें देखो जब डेल्टा एनजी जीरो है तो बार बार वॉल्यूम नीचे आ रहा है, अब जब लेस देन वाला जीरो था तो देखो वॉल्यूम ऊपर आ रहा था, है ना, और वॉल्यूम के पावर उतना ही आ रहा होगा जो डेल्टा एनजी है कि नहीं, देखो इसका डेल्टा एनजी कितना आता, 3+1 कितना होता 4, -2 कितना आता 2, तो 2 आता तो पावर कितना जा रहा है 2 ही जा रहा है ना, इवन आप डेल्टा एनजी भी निकालते रहो रिएक्शन का, डेल्टा एनजी कितना हो जाता 1+3-2 तो कितना आता 2। ऊपर वाला हुआ हो तो हटा के और मैं देता हूं आपको, हो गया ना पहला, देखो जिनका हो गया आगे इसका लिखें, वो इससे नेक्स्ट है अपने पास N2O5 गैस डिसोसिएट इनटू 2NO2 गैस, इसका लिख सकते हैं आप, हमेशा मैंने बता दिया ए मानना है शुरू में, ठीक है, इनका केसी और केपी लिखो,
सेकंड है अपने पास PCl5 गैस डिसोसिएट इनटू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, इसके ए मोल दे दिए। ये हो गया, ये उनके लिखो। एक और दे देता हूं अननोन के फॉर्म में, मैंने बता दिया था सॉलिड लिक्विड आएगा तो उससे कोई मतलब हमें नहीं है, क्योंकि चलो हम लोग अभी होमोजीनियस में, तो मैं सॉलिड नहीं गैस ही करता हूं इसे। इसको सी कर देते हैं, इसको डी करते हैं। प्रोडक्ट का भी कुछ मोल्स हमें हो सकता है शुरू में दिया हो सकता है, बताया था ना मैंने, तो ऐसे मैं इनफाइनाइट बना सकता हूँ, कोई रोक टोक है क्या इसमें? बस लिखने हमें सीख जाना है कि कैसे लिखना है। पहला किया, लिखें साथ में लिखवाइए, क्या लिखोगे? सब लोग मिलाते हुए चलें, ए माइनस एक्स यहाँ पे 2x, के सी बताइए क्या लिखेंगे, 2x के पावर 2 अपॉन ए माइनस एक्स के पावर 1 इंटू 1 अपॉन वी, वेरी गुड, है ना, वॉल्यूम नीचे आएगा और पावर तो 1 ही आना है, ठीक है। केपी बताओ फटाक से, केपी 2x के पावर 2 अपॉन ए माइनस एक्स के पावर 1 इंटू पी, ऊपर आएगा इस बार और नीचे क्या आएगा, ए प्लस एक्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या हमको टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी सेकंड स्टेप में ही दिख जाता है ना, यहीं से जोड़ते ही दिख जाता है ना, कितना हो जाएगा ये, ए प्लस एक्स हो जाएगा इसमें, ए माइनस एक्स यहां पे एक्स और यहां पे एक्स। अब बताओ सेम तो नहीं रहेगा ये आंसर, रहेगा क्या वो तो नहीं रहेगा ना, और इसमें दो आएगा कहीं पे क्या, एक्स के पावर 1 इंटू एक्स के पावर 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स के पावर भी 1 और 1 अपॉन वी, ठीक है, और केपी एक्स की पावर 1 इंटू 1 डिवाइडेड, पावर 1 वैसे लिखने की जरूरत नहीं है हमें, है ना, फिर भी हम लोग लिख ले रहे हैं, मान लो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ए माइनस एक्स के पावर 1 इंटू वॉल्यूम नीचे आया तो प्रेशर ऊपर और डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स आएगा, ठीक है, क्या उसका लिखें, क्या वो लिखो, मैं बता रहा हूं यही केसी केपी हमें लिखना है, बस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या रहेगा, हमें एक्स की वैल्यू पता करनी रहेगी, ए की बी की वैल्यू हमें गिवेन हो सकती है, ठीक है ना, जैसे इनमें क्या है, ए गिवेन हुआ, वॉल्यूम गिवेन हुआ, ए वॉल्यूम दी गिवेन है, तो केसी पूछ सकता है, केसी के लिए एक्स चाहिए, एक्स पता करने का कुछ ना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देगा क्वेश्चन में, ये हुआ सबसे। बताइए पहले क्या लिखेंगे, ए माइनस टू एक्स यहां पे, यहां पे एक्स, यहां पे थ्री एक्स, ई प्लस टू एक्स, वेरी गुड, है ना, ई पहले से ही था और दो एक्स नया बन गया, तो ई प्लस टू एक्स। अब निकाल सकते हैं हम लोग केसी, क्या लिखेंगे, थ्री एक्स के पावर थ्री इंटू e प्लस टू एक्स के पावर 2 लिखेंगे इस तरह से, डिवाइडेड बाई 2x के पावर 2 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। अब चेक करते हैं इंटू में कुछ आना है कि नहीं, अगर सपोज करो ऊपर नीचे पावर सेम होता तो इतना ही हमारा आंसर हो जाता, क्योंकि वॉल्यूम कहीं आता भी तो कट जाता ना, पावर अगर सेम है तो वॉल्यूम कट जाता ऑटोमेटिक। अब हम लोग चेक करते हैं, पावर ऊपर 5 नीचे कितना 4, तो वॉल्यूम कहां पे आएगा, नीचे, तो कितना पावर आएगा, 1 ही आएगा, मतलब 1 बाई वी हो जाएगा। और केपी लिखना है तो ये तो सेम कॉपी होगा,
ये तो पूरा का पूरा सेम आएगा ना, चलो लिख ही देता हूं मैं, ये सेम आएगा 3x के पावर 3 इंटू ई प्लस 2x के पावर 2 डिवाइडेड बाई ए माइनस 2x के पावर 2 इंटू बी माइनस एक्स के पावर 1 इंटू सी माइनस एक्स के पावर 1 इंटू वॉल्यूम नीचे है तो प्रेशर ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे कितना आता, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई, इतना तो आता। अब एक्स में देखो कुछ प्लस में ही आता, जो आएगा वो प्लस में ही आएगा, है कि नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे मोल्स क्या होना चाहिए था, पहले से बढ़ना चाहिए। तो प्लस लिख दूं, और प्लस में क्या लिखा जाए देखा जाए, ये दो एक्स है, ये एक्स कितने हो गए माइनस तीन, और ये माइनस चार एक्स, और यहाँ पे तीन एक्स और दो कितने हैं पांच एक्स, तो इसका मतलब एक्स आ जाएगा ना। तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं आराम से इस तरह से, कोई भी रिएक्शन दे दिया जाए ऐसे एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो देखो अपने आप में एक्सप्रेशन ही भारी भरकम है कितना, है कि नहीं। इनको डेराइव करना पड़े अगर, तो डेराइव करते करते शाम हो जाए हमारी, है ना, डेराइव करना पड़ जाए इनको, डेराइव तो करना है, कर ही सकते हैं ना, क्या करना रहेगा, वॉल्यूम से डिवाइड करो सबको, तो कंसंट्रेशन मिलेगा, केसी के एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन लिखना रहेगा, और बाद में पार्शियल प्रेशर वाले स्टेज में मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा पहले, तो मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स अपॉन टोटल मोल सबका करोगे, उसको पीटी से मल्टीप्लाई करोगे तो पार्शियल प्रेशर होगा, और फिर केपी में डाल दो सारी वैल्यूज और सॉल्व करोगे तो निकल के क्या आएगा, यही आएगा, समझ गए। एक सवाल लिखते हैं इसके ऊपर, लिखिए फाइव मोल्स ऑफ पीसीएल फाइव, फाइव मोल्स ऑफ पीसीएल फाइव आर टेकन, 5 moles of PCl5 are taken in a closed container. 5 moles of PCl5 are taken in a closed container of volume, या of volume मत डालो इसमें क्योंकि मुझे expression निकलवाना है. 5 moles of PCl5 are taken in a closed container which dissociate into PCl3 and Cl2. Which dissociate into PCl3 and Cl2 according to reaction, which dissociate into PCl3 and Cl2 according to reaction, ये reaction लिख लेना, PCl5 gives PCl3 plus Cl2, according to reaction, PCl5 gives PCl3 plus Cl2, according to reaction, PCl5 gives PCl3 plus Cl2, आगे हमसे बोल रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोला, ये हमारा पहला इन्फॉर्मेशन हो गया, जिसके स्टेप जो पहले इन्फॉर्मेशन के बेस पे क्या दो लाइन हम लिख सकते हैं इसका, लिख लेंगे। अब हमें क्वेश्चन बनाएगा, अब क्वेश्चन बनाने में क्या पूछेगा, एक्स पूछ सकता है, केसी पूछ सकता है, कुछ भी हमसे करवाएगा। तो अब जैसे आगे क्वेश्चन क्या बोला है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोल्स ऑफ पीसीएल फाइव, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोल्स ऑफ PCl5 dissociated, moles of PCl5 dissociated at equilibrium, derive an expression for moles of PCl5 dissociated at equilibrium in terms of Kp and equilibrium pressure P. In terms of Kp and equilibrium pressure capital P, कर सकते हैं इसमें। सवाल समझ पा रहे हैं क्या है, 5 मोल PCl5 का दिया है क्लोज कंटेनर में जो डिसोसिएट हो रहा है PCl3 और Cl2 में, ठीक। अब बोला है हमको कि हमें एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है किसके लिए, मोल्स ऑफ PCl5 डिसोसिएटेड, मतलब बेसिकली किसका डेरिवेशन करना है, x का फॉर्मूला निकालना है कि x का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। आप ट्राई करिए, मैं आंसर बता देता हूं, आंसर ये निकल के आना चाहिए अंडर रूट में 25 kp अपॉन kp प्लस p। कोशिश करो एक बार दो मिनट में, देखो लग रहा है क्या, एक्सप्रेशन जो निकालना है ना मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड, मतलब बेसिकली आपको क्या कैलकुलेट करना है, x क्या निकालना है, x ही मानते हैं ना हम लोग अगले स्टेप में, इसी x को कैलकुलेट करना है कितना होगा, सॉल्व करो दो मिनट में।
इसको सॉल्व करो, मैं एक नया प्रॉब्लम बनाता हूँ तब तक। एक्स के लिए तो सॉल्व करना है, तुम्हारा एक्स का एक्सप्रेशन एक्स में ही आ जाएगा, एक्स का आंसर निकालना है ना तुझे, एक्स सिंप्लीफाई करके। नहीं आ रहा है, कोशिश करो बाकी लोग, देखो ट्राई करो, लग रहा है क्या? वही तो निकाले ना, कुछ दिया रहेगा। PCl5 गैस डिसोसिएट इनटू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये दिया है। बताइए क्या क्या लिख लिया आप पहले इंफॉर्मेशन से? 5 लिखेंगे यहाँ पे, ये दोनों में कुछ रहेगा क्या? नहीं। नेक्स्ट स्टेप 5 माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स। अब मुझे बताओ, मुझे जो निकालना है मोल्स ऑफ PCl5 डिसोसिएटेड, मतलब क्या निकालना है? एक्स, और इन टर्म्स ऑफ किसके? केपी एंड पी। तो मुझे केपी का एक्सप्रेशन मिलेगा तभी तो एक्स निकालूंगा मैं, केपी तो मेरा कम से कम आना चाहिए ना। तो मैं किसका एक्सप्रेशन लिखूं? केपी का। क्या होगा केपी का एक्सप्रेशन? एक्स के पावर 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स के पावर 1, और साथ में कुछ आएगा कि नहीं आएगा? कहाँ पे क्या आएगा? जो भी आएगा केपी है तो क्या प्रेशर आएगा कि वॉल्यूम? प्रेशर। अगर ये पहले केसी होता तो वॉल्यूम कहाँ पे आता? नीचे। ये केपी है तो प्रेशर कहाँ पे आएगा? ऊपर। तो ऊपर आ गया, प्रेशर कितना दिया है? पी डिवाइडेड बाई, नीचे कुछ और आएगा साथ में, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना? 5 + x। यहीं से दिख जाता है ना टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यहां से दिख रहा है कि नहीं? 5 + x है कि नहीं टोटल नंबर ऑफ मोल्स? 5 + x। अब क्या यहां से x सॉल्व करने नहीं आ रहा है? ये x सॉल्व करने नहीं आता इतना। kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर इंटू पी डिवाइडेड बाई a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकता हूं? यहां से अगर मैं करूं मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 25 kp माइनस kp x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू p हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर x स्क्वायर को उधर भेजू तो 25 kp इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू पी था प्लस kp इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या यहां से x स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं मैं? x स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? kp प्लस पी बचेगा। तो क्या यहां से हमें x इज इक्वल टू मिल गया? क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 25 kp आ जाएगा ये, और ये वाली वैल्यू जाके डिवाइड हो जाएगी kp प्लस पी। तो ये डेराइव करने नहीं आ रहा था, क्या करना था इसमें?
तू कहाँ फंसा हुआ था इसमें? हाँ, आ गया तुरंत, किधर तक आ गए थे? हाँ, तो मैंने कहा था यहीं से एक सॉल्व करके निकालना है। समझा तुम्हें, फिर बाद में लगा लो। ये लग गया तो ऊपर वाला अटेम्प्ट करिए। टेन मोल्स ऑफ N2O4 आर टेकन इन ए क्लोज कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 80 लीटर एट 727 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 10 मोल N2O4 का दिया है। पहली लाइन को पढ़ते ही क्या दो स्टेप लिख सकते हैं हम लोग रिएक्शन का? बार बार मैं एक ही चीज समझाता हूँ, 50 बार एक क्लास में मैंने बोला होगा कम से कम। पहली लाइन पढ़ते ही दो स्टेप लिख लेंगे, फिर कंडीशंस को हम लोग चेक करना शुरू करेंगे। आगे दे रहा है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 15 ATM। टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना है? 15 ATM। तो हमसे बोला है कैलकुलेट केपी केसी। रिएक्शन दिया हुआ है हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 एंड N2O4। ये दो चीजें हमें करनी है इसके अंदर। हाँ, 727 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जेई का ही सवाल था, है ना, ये एक्सप्रेशन वाला। बुकलेट में लगा रहे हैं पूरा, बाकी आगे का केपी केसी वाले तो हो गया था अपना। केपी केसी के बाद रिएक्शंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मतलब एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, हो रहे हैं उसके सवाल। केपी निकालना होगा, केसी निकालना होगा, क्वेश्चन में कंडीशंस दिया है उनको अप्लाई करो, आंसर्स निकलते चले जाते हैं। नीचे वाला हुआ, ये हो गया ना। चलो ऊपर वाला मुझे साथ साथ में बताते रहो कैसे करना है। बोलो, पहले रिएक्शन को लिखें। सबसे पहला काम क्या है हमें? रिएक्शन को नोट डाउन करना। रिएक्शन लिख लिया जाए, N2O4 गिव्स क्या? 2 NO2 गैस लिख लिया हमने। अब क्या करें बोलो? पहला स्टेप क्या है? 10 मोल्स ऑफ N2O4 मतलब इसके नीचे कितना? 10, और यहाँ पे खाली। क्या मुझे और कुछ अभी पढ़ने की जरूरत है? नहीं, केवल पहली लाइन। फिर क्या होगा? 10 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x। और कुछ जो एडिशनल दिया उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। वॉल्यूम कितना दिया था? 80 लीटर, और हमको टेम्परेचर 727 का मतलब क्या 1000 केल्विन लिख दूं उसे? ये दो चीजें हमें और एडिशनल गिवेन है प्रॉब्लम में। पहला लाइन पढ़ते ही क्या इतना हमें आता है लिखने? अब हम लोग अगली लाइन पे चलते हैं। बोल रहा है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 15 ATM। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है? केपी और केसी। तो मुझे बताओ केपी और केसी हम केवल तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब मुझे एक्स की वैल्यू मालूम हो, और मुझे एक्स मालूम करने के लिए कुछ ना कुछ उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। उसने इस बार मुझे टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दिया है। इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर, पहले के प्रॉब्लम्स में जो दे रहा था उसमें क्या दे रहा था कि इसके मोल्स इक्विलिब्रियम पे इतने हो जाए। मान लो मैंने बोल दिया होता कि 10 मोल्स हो जाते हैं इक्विलिब्रियम पे NO2 के, तो आप 2x इसके बराबर रख देते थे, 10, तो x तुरंत मिल जाता था। मैं कह रहा हूँ ना, x निकालने का इन्फॉर्मेशन बदलेगा, बस x निकालने का इन्फॉर्मेशन बदलेगा, बाकी सवाल में कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। अब वो निकालने का आपका तरीका चेंज करेगा, अब उस तरीके को आप कैसे सोच पा रहे हैं उसके डिपेंड करता है। देखो कैसे निकाला जाए x। क्या हम लोग इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स पता कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? 10 माइनस एक्स प्लस 2x मतलब कितना? 10 प्लस एक्स। क्या मुझे प्रेशर जो पता है वो भी इक्विलिब्रियम पे पता है? क्या मुझे वॉल्यूम कंटेनर का बदलेगा क्या इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो? टेम्परेचर बदलेगा क्या? तो क्या मैं PV = NRT लगा सकता हूँ? तो इन रिएक्शन की खास बात एक है ध्यान रखना कि हमेशा एक PV = NRT एडिशनल इक्वेशन पड़ा हुआ है जिसकी हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अभी तक मैंने सवालों में कभी PV = NRT यूज नहीं कराया था, पर सवाल उसके ऊपर भी आ सकता है, तो जो कि उसके ऊपर मैंने दिया। हर क्वेश्चन देखो, जितने क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए कोई एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है, सब में इन्फॉर्मेशन चेंज कर करके करवाया है। मैंने कहा था ना पूरे क्लास में क्वेश्चन करवा सकता हूँ मैं। अभी मान लो इसी क्लास में क्वेश्चन में बदल लेता, मैंने बोल दिया होता कि एट इक्विलिब्रियम रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ NO2 टू मोल्स ऑफ N2O4 इज 7, तो आप क्या करते हैं? 2x अपॉन 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, वहां से x निकाल लो, और जब एक बार x मिल जाएगा तो सॉल्व हो जाता कि नहीं? सवाल हो ही जाना है फिर तो सॉल्व। वॉल्यूम दे दिया था हमें, टेम्परेचर दे दिया हमें,
मोल्स हमें मिल चुका है तो हम प्रेशर भी निकाल सकते थे, अगर नहीं दिया होता तो प्रेशर निकाल लेते कि नहीं, पीबीजी इक्वल टू एनआरटी से। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो मुझे बताओ एक्स पता करने के लिए मैं क्या लगा दूं, पीबीजी इक्वल टू एनआरटी, तो मैं प्रेशर कौन सा लूंगा, इक्विलिब्रियम पे। प्रेशर कहां का, इक्विलिब्रियम पे लिया जाएगा। वॉल्यूम तो हमेशा चेंज नहीं होने वाला, तो मोल्स भी किसके लूंगा मैं, इक्विलिब्रियम के, आर इंटू टी। तो बताओ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना दिया था, 15 atm, इंटू वॉल्यूम कितना दिया था मैंने, 80 लीटर दिया है वॉल्यूम, इज इक्वल टू मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना है मेरे पास, 10 प्लस एक्स इंटू आर की जगह पे 0.08 ले लूं। टेम्परेचर कितना है 1000, तो क्या ये देखो 1000 और 0.08 80 हो जाता है क्या, कट जाएंगे, मैंने डेटा ऐसे दिया कि कट जाए आसानी से। तो क्या यहां से हमें एक्स निकल जाएगा, एक्स कितना आएगा 5। तो बस मैं कह तो रहा हूं हर क्वेश्चन एक ही तरीके का है, बस केवल चेंज क्या होगा, एक्स निकालने का तरीका। ये अगर दिमाग में एक बार बैठ गई बात ना, तो इक्विलिब्रियम का कोई दुनिया का कितना भी भारी से भारी सवाल आ जाए लग जाएगा। मैं बता रहा हूं दो स्टेप तो पहली लाइन से लिखने होते हैं, और एक्स निकालने का केवल और केवल तरीका बदलेगा, वो तरीका हमें बस अप्लाई करने आना है कि एक्स कैसे पता किया जाए। तो कोई सवाल फंसेगा नहीं कभी, समझे क्या, हर प्रॉब्लम में मैंने एक्स निकालने के तरीके चेंज करवाए, समझ में आया तो, है ना, हर प्रॉब्लम में बदला है। तो एक्स कितना आ गया 5। अब बोलो अगर ये 5 आ गया तो क्या इसके मोल्स कितने हो जाएंगे मेरे पास, 5, है ना। अब मुझे एक्स से कोई मतलब ही नहीं, इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 5, और इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 10। बोलो ये हमें इक्विलिब्रियम पे मिल गए क्या, इनके मोल्स मिल गए ना। तो अब बोलो अब तुरंत लगा ले केसे निकालना है, बोलो केसे इज इक्वल टू क्या लिखते थे, इसके मोल्स के पावर 2, 10 के पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 के पावर 1। इसको मैं कह रहा हूं ना एक्स के फॉर्म में लिखने की हमें जरूरत है क्या, ये एक्स ऑक्स कब लेते हैं हम लोग, अननोन के फॉर्म में, जब एक्सप्रेशन निकालो मुझे तो न्यूमेरिकली सॉल्व करना है ना, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो मुझे कैसे भी एक्स खत्म करना है, नहीं है कोई भी तरीका लगाऊं, एक्स मैंने खत्म कर लिया तो अब डायरेक्ट मोल्स के फॉर्म में रख दूं। आप चाहे तो आप इसके लिए क्या लिखते, 2x के पावर 2 ही लिखते, डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स के पावर 1 लिखते, तो उसको मैंने डेटा रख दिया सीधा, ठीक है। और कुछ आएगा कि नहीं आएगा, पावर 2 है ऊपर, नीचे पावर 1 है, तो वॉल्यूम आएगा कहां, नीचे। तो क्या इसको 1/ वॉल्यूम भी आएगा, तो बोलो 1/ वॉल्यूम की वैल्यू पता है कि नहीं, क्वेश्चन में दिया 80, तो यहाँ पे 80 रख दिया जाए, तो क्या है सॉल्व हो गया कि नहीं, कितना आ जाएगा आंसर, देखो तो ये हो जाएगा 100, और नीचे कितना हो जाएगा 5 इंटू 80, तो कितना आ गया 1/4। तो क्या केसी हो गया, क्या केपी भी हम निकाल सकते हैं, केपी खुद निकालिए, बताइए केपी कितना आ रहा है, केपी 20 आ जाएगा, वेरी गुड, है ना, केपी कितना आएगा 20 आएगा, सॉल्व कर लो सब लोग, केपी सही बता रहे हैं 20 आ जाएगा। केपी निकालने के तो दो दो रास्ते हैं ना अपने पास, केपी किससे निकालना आप पसंद करेंगे, जिससे मन करे, केपी निकालने का एक ये भी रास्ता है, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी पावर डेल्टा एनजी, और दूसरा रास्ता क्या है उसके एक्सप्रेशन से, एक्सप्रेशन बोलो क्या लिखोगे, अगर लिखना होता तो 10 के पावर 2 अपॉन 5 के पावर 1 इंटू ऊपर क्या आता, अगर वॉल्यूम नीचे आया तो प्रेशर ऊपर आता, तो ऊपर पी आता, और नीचे क्या आता, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने दिख रहे हैं, 10 प्लस एक्स से तो कितना हो जाता है 10 प्लस 5, और क्या प्रेशर भी हमें दिया है क्या 15, तो ये कट जाएगा ऊपर नीचे, तो कितना आ जाता है ये 20। इससे भी निकाल सकते थे ना, इससे कैसे निकालते, इसको ऊपर निकाल देता हूं, केसी की वैल्यू कितनी थी 1/4 थी ना, तो केसी की वैल्यू थी 1/4 इंटू आर की जगह पे 0.08 ले लें, टेम्परेचर 1000 ले लें, और डेल्टा एनजी रिएक्शन का कितना हो जाएगा, दो में से एक जाएगा एक, इसका डेल्टा एनजी कितना आएगा इस रिएक्शन का, प्रोडक्ट के कितने मोल्स 2 माइनस रिएक्टेंट के कितने 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो इसका मतलब डेल्टा एनजी 1 हो जाता, तो देखो जरा सा ये 80 हो जाता क्या, 80/4 कितना आता, तो इससे निकालो चाहे उससे निकालो आंसर चेंज होगा क्या, नहीं, दोनों से सेम ही आना है, ठीक है ना। तो मैं ज्यादा उसको फॉलो करता हूँ, केपी बराबर केसी आरटी पावर डेल्टा एनजी, अगर मुझे क्वेश्चन में केसी पता रहता है तो मैं डायरेक्ट उसे अप्लाई करना कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा है, है ना, क्योंकि एक्सप्रेशन लिखने में हो सकता है गलती कर दें, वैसे तो मैंने कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं छोड़ी है, अब आप जानबूझ के अगर गलती करने से सोचेंगे कि कौन रोक सकता है, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, मैंने तो इतना सिंप्लीफाइड कर दिया है कि अब कहीं गलती होने का कोई चांस नहीं है, इवन मैं इसीलिए पावर 1/1 भी लिख रहा हूं, ताकि पावर गिनने में भी आपको कोई गलती ना हो, ठीक है ना। तो आप इससे ज्यादा तो प्रीफर ये करना सही रहता है ना, इससे भी आप निकाल लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पहला पार्ट सॉल्व हो गया क्या, सब लोगों ने समझा पहला पार्ट, क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट था ना, केसी निकालना और केपी निकालना। सेकंड पार्ट है पार्शियल प्रेशर, बोलो पार्शियल प्रेशर
ऑफ मान लो निकालना है मुझे किसका, एनओ टू का, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनओ टू इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो क्या मुझे इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स मालूम हो चुके हैं क्या, एनओ टू के कितने, इक्विलिब्रियम पे एनओ टू के मोल्स 10 मोल्स है ना, और टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितना है 15। तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये मोल्स ऑफ एनओ टू डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है, तो मोल्स ऑफ एनओ टू कितना है 10, और टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितना है 15, इंटू प्रेशर भी कितना दिया मैंने 15 एटीएम का ही दिया है ना, तो इसका मतलब इसका पार्शियल प्रेशर कितना आ गया 10 एटीएम। अगर इसका पार्शियल प्रेशर 10 एटीएम आ गया तो इंटू फोर का कितना हो जाएगा, इसको तो बिना कैलकुलेट करे बता सकते हैं, टोटल प्रेशर 15 एटीएम का है तो दोनों गैसों से मिलकर बना है, अगर एक 10 एटीएम का है तो दूसरा कितने का होगा 5 का होगा, तो सेकेंड का, तो इससे निकाल लो पी टोटल माइनस पी एनओ टू, या अगर इससे नहीं निकालना इससे तो निकल जाएगा एक ही लाइन में कितना आएगा 15 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना 5। अगर इससे आप नहीं करना चाहते तो क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 कितना है, क्या लिख दिया मैंने, ये मोल्स फ्रैक्शन मतलब मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, तो ये मोल्स ऑफ N2O4 हो जाएगा ना, मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो मोल्स ऑफ N2O4 कितना है मेरे लिए 5 है ना, तो 5 बाई टोटल मोल्स 15 इंटू 15 करता तो भी कितना था 5 एटीएम आ जाता। क्लियर है क्या ये दोनों, समझ पाए हम लोग, काफी बड़ा सा सवाल है ये, सिंपल ही है ना, कुछ करना नहीं है इसमें। मुझे समझाने में बताने में टाइम लग रहा है इन सवालों को, पर लगाएंगे तो इनमें टाइम लगने वाला नहीं है, ये सवाल में बस x निकालना होता है, x निकालते ही केसी और केपी मिल जाते हैं, x निकालने का तरीका बार बार चेंज हो सकता है, बाकी कुछ नया नहीं होता ऐसे सवालों में। आज अंकित सर ही आएंगे अभी शायद, करूंगा मेंस वाले जो बच्चे हैं ना अपने, मेंस और सीटी दोनों का डिस्कस ना, ठीक है, अंकित सर का हो गया कल डिस्कशन, दोनों हो गए ना, ठीक है, तो आज मैं ले लेता हूँ 4 से 5 ना, ठीक है, तो आज मैं ले लेता हूँ 4 से 5 में डिस्कस में कर लेता हूँ, ठीक है। अंकित सर ने कब डिस्कस किया था स्टडीज लो, अच्छा ठीक है, ठीक है, तो आज मैं 4 से 5 ले लूंगा तो उसमें डिस्कस करवा दूंगा, जाओ। ये हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी, ये कौन सा रिएक्शन था, होमोजेनियस रिएक्शन नहीं, गैसियस फेज, गैसियस रिएक्शन देख रहे थे ना, होमोजेनियस गैसे, होमोजेनियस में ही मैंने बताया थे दो हैं, है कि नहीं, होमोजेनियस गैसियस भी हो सकता है, होमोजेनियस लिक्विड भी हो सकता है, होमोजेनियस सॉलिड मैंने कहा था कि होने का चांस नहीं है, है ना, तो हम लोग सेकेंड टाइप वन हम लोग पढ़े थे ना, अब नेक्स्ट डालो टाइप टू, टाइप टू इसको इंट्रोड्यूस तो हो जाए, इसके ऊपर कल न्यूमेरिकल बस देखेंगे हम लोग, होमोजीनियस लिक्विड फेज रिएक्शन, होमोजीनियस लिक्विड फेज रिएक्शन या होमोजीनियस रिएक्शन इन लिक्विड फेज, कुछ भी बोल लीजिए, होमोजीनियस लिक्विड फेज रिएक्शन, पहले हम लोग टाइप वन देखे थे अगर याद हो, भूल गए हैं, भूलने की बीमारी होती है ना सबको, तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, उसमें हमने पहला देखा था होमोजीनियस रिएक्शन, बताया था मैंने, पहला हम लोग होमोजीनियस के लिए पढ़े थे, और होमोजीनियस में हमने टाइप वन लिया था होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, और उसके अंदर हमने 3 केस देखे, एक डेल्टा एनजी 0 वाला, एक डेल्टा एनजी लेस देन 0 वाला, और एक डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0। अब हमारा गैस वाला सारा खत्म हो गया, अब हम लोग किस में आ गए, होमोजीनियस लिक्विड फेज रिएक्शन। अब मतलब इस रिएक्शन के अंदर जो भी सब्सटेंस होंगे उन सब का फॉर्म कैसा होगा, लिक्विड, जो भी मिलेंगे वो सब किस फॉर्म में मिलेंगे, लिक्विड, इनके अंदर कोई गैस मिलने वाला नहीं है, तो लिख लेना एक लाइन में इस चीज को, बाकी लोगों का हो गया वो सवाल, पीछे कैसे रह जाता है सुदीत, लिखो इसमें लिख लीजिए, रिएक्शन इन विच, रिएक्शन इन विच ऑल द सब्सटेंस, रिएक्शन इन विच ऑल द सब्सटेंस आर प्रेजेंट, रिएक्शन इन विच ऑल दी सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन लिक्विड फेज,
रिएक्शन इन विच ऑल दी सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन लिक्विड फेज. ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर सारे सब्सटेंस किस फॉर्म में मौजूद होंगे, लिक्विड फेज में, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोल देंगे, इसमें कहीं भी गैस नहीं आएगा, कहीं भी सॉलिड नहीं आएगा, होमोजीनियस है, मतलब केवल एक फेज होना चाहिए और सबके सब कैसे रहेंगे, लिक्विड. तो इसमें जो हमारे लिए है एक ही एग्जाम्पल है जो कि पूछा भी जाता है और वही पढ़ना भी हमें, एग्जाम्पल है इसका एस्ट्रिफिकेशन ऑफ एसिड, एस्ट्रिफिकेशन ऑफ एसिड. एस्ट्रिफिकेशन ऑफ एसिड का क्या मतलब होता है, एसिड से एस्टर को बनाना, ठीक है ना, कन्वर्जन ऑफ एसिड इंटू एस्टर, कन्वर्जन ऑफ एसिड इंटू एस्टर, एस्टर में कन्वर्ट करना. अगर याद हो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़ा था, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पढ़ा था, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा रहे थे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी. उसी रिएक्शन को उल्टा जब हम लोग लिखते हैं, मतलब उसको जब हम हाइड्रोलिसिस कराए थे तो क्या टूटता था, अल्कोहल और कार्बोक्जिलिक एसिड में. अब यहाँ कार्बोक्जिलिक एसिड और अल्कोहल कंबाइंड होकर क्या बना देंगे, एस्टर बना देंगे. तो ये रिएक्शन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे इसमें जो रिएक्शन है अपने पास CH3COOH, बोलो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड. क्या ये एसिटिक एसिड है. जब एसिटिक एसिड को C2H5OH क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, इथेनॉल. IUPAC हो गया है ना, तो फिर नाम नहीं आ रहे बोलने, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इथेनॉल बोलते हैं C2H5OH को. ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कौन सा है, अल्कोहल ग्रुप. तो इथेनॉल है, ये क्या है, एसिटिक एसिड है, इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है. जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, है ना, तो रिएक्ट करते हैं तो इसका एच पार्ट और इसका OH, याद करने का तरीका से कह रहा हूं, इसका एच उठाना है और यहां से OH उठाओगे तो क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, यहां पे H2O बन जाएगा और साथ में देखो क्या बच गया, CH3COO और यहां का क्या बचा, C2H5, तो ये आके लग जाता है, तो CH3COOC2H5, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर, एस्टर ग्रुप है ना इसके अंदर, तो इसको एस्टर बोलते हैं और ये क्या बन गया अपने लिए, वाटर. समझ पाए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का मतलब, हम लोग जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करते थे तो इस रिएक्शन को उल्टा लिखा था, याद है, इसके ऊपर H2O करवाता था, ये तोड़ता था और फिर मैंने उसका एसिड बेस टाइट्रेशन करवाया था कि ऊपर से एक एल्कली में NaOH को डालता हूं, शुरू में जो कंज्यूम होगा वो कैटालिस्ट के लिए होगा, कुछ समय के बाद धीरे धीरे अमाउंट बढ़ेगा क्योंकि उसके अंदर कौन सी चीज बनती जाती है, एसिटिक एसिड, तो ये बेस को न्यूट्रलाइज करता चला जाता है ना, याद है, ये रिएक्शन उल्टा लिखा था अभी मैंने, दूसरी तरफ से लिख दिया. तो ये रिएक्शन जो है इसमें सबके सब किस फेज में है, ये भी क्या है, लिक्विड फेज. अच्छा, इस रिएक्शन के लिए आप डेल्टा NG निकालोगे कि डेल्टा N निकालोगे, डेल्टा NG नहीं निकाल सकते ना ऐसे रिएक्शन का. तो इस रिएक्शन के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा N कैलकुलेट करेंगे. मैंने अब बताया था उस दिन डेल्टा N और डेल्टा NG ना, तो डेल्टा N क्या होगा बताओ, 1 + 1 - 1 + 1 कितना हो जाएगा, 0, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है क्या. अब देखो जरा सा आगे, इसमें अब इसमें भी कुछ करना नहीं है, एक्सप्रेशन वही आएगा. देखो जरा सा, इसके अगर हमने ए मोल्स ले लिए, एक्सप्रेशन डेराइव कर लेते हैं, इसके ए मोल्स ले लिए और इसके कितने, बी, तो शुरू में ये दोनों तो कुछ रहने वाले नहीं है. अगला सपोज करो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, बी माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स, और ये भी कितना, एक्स हो जाएगा. अब मुझे बताइए इसके KC का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग, x^1 × x^1 / k^1 × कहीं वॉल्यूम कहीं आएगा क्या, ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 2 है, कहीं वॉल्यूम आएगा नहीं, कट जाता ना, x/v दिखता, इसमें भी y/v लिखते कट जाता कि नहीं, तो कहीं भी नहीं आएगा. और KP लिखना आएगा तो KP कैसे लिखते हैं इसका, सेम यही लिख देते हैं, सही बात है, केपी सेम यही लिख दिया जाता क्या, नहीं तो क्या लिखा जाता, कुछ लिखा जाता कि नहीं, केपी इसका लिखा जाता क्या, केपी इसका लिखा जाता, क्या बताया था मैंने, केपी कब डिफाइंड होता है, जब कम से कम एटलीस्ट वन सब्सटेंस शुड बी इन गैसियस फॉर्म, कम से कम एक तो गैसियस होना चाहिए, इसमें कोई गैस है क्या, तो इस रिएक्शन का केपी लिखेंगे,
और ये क्वेश्चन क्या ये पहली बार आया क्या? ये मैंने पिछले में करवाया था, राइट एक्सप्रेशन ऑफ केपी एंड केसी, यूनिट ऑफ केपी एंड केसी एंड रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, तो उसमें दिए थे 8-10 रिएक्शन, उसमें ये डाला था कि नहीं मैंने? और उस दिन भी मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, लिक्विड फेज वाला है, तो उसका हमने केसी निकाला था लेकिन केपी हमने नहीं निकाला था। अच्छा यूनिट बता दो तब क्या होगा, केसी का यूनिट होगा क्या? कोई यूनिट होगा? ऊपर पावर दो नीचे पावर दो, यूनिट होगा क्या? कोई क्या होगा? यूनिटलेस, तो यूनिटलेस है ये, ठीक है। और ये तो खैर इसकी तो यूनिट डिफाइंड ही नहीं है, तो कल इसी के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकली कैसे अप्लाई करते हैं इसे, है ना, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो जेई में ही पूछा गया है उसी को सॉल्व करवा दूंगा। तो लिक्विड वाला फेज का एक ही रिएक्शन है जिसको हमें ध्यान में रखना है, तो कल यहीं से करते हैं आगे, ठीक है ना।